ये अपना देसी हथियार ये सारा कुछ बढ़ देता है। चलो जी ये हाड़ी गुआढ़ी है कटू कटू अनबॉक्सिंग चलता वा तो गाइस ये आ चुका अपना स्कॉर्पियन मास्क ते यार वेखन च काफ़ी वड्डा लगता है ते इस टाइम ते काफ़ी छोटा लग रहा भाई ते दे सकते हो ये है साढ़े को स्कॉर्पियन मास्क हुण इहदे विच की है स्कॉर्पियन मास्क जिहड़ा तुसीं देख सकते हो हुण इहदे ते आपां व्लॉग आणगे अगले इत्थे होएगा हुण गोप्रो साडा माउंट इत्थे क्योंकि पहला जिहड़ा मेरे को हैलमेट सीगा वो मैनूं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं सीगा क्योंकि इत्थे हवा नहीं सी लगदी हुंदी चंगी तरह ते इत्थे तुसीं देख सकते हो काफ़ी वधिया कुशनिंग होई हुई है इहदे विच ते बाकी वधिया हैगा वा मैट फिनिश दे विच हैगा वा ते आ फिनिश इहदी रबरिंग रबर वाली फिनिश हैगी इहदी आ वाली ते ओवरऑल वधिया लग रहा बाकी डिटैचेबल है हुण मैनूं डिटैच करके वेखदा वा ते आ थोड़ी गाइस इहना अपना ओ जे की कहिंदे आ मतलब दबी जान रही इतने पोलीमर शीट हैगी है मतलब ग्लास नहीं गा इतने पोलीमर शीट है बट उन्हों का कहना यह कि स्क्रैच रेजिस्टेंस हैगी है बाकी देखो कितना चेर तक स्क्रैच रेजिस्टेंस रहेगी है तो फिर सो ये आप कर दिता वक्खो वक्ख ते इहदे हैगे दो तीन पॉइंट पहला इधरों निकलेगा फिर इधरों निकलेगा मतलब इस तरह करके खिंचना हुंदा है। सो ये है साडा डिटैचेबल मास्क ते मिलते फिर तुहानू अगे। सो हैलो गाइस सत श्री अकाल ते की हाल चाल सारिआं दा आस करदे सारे जणे घैंट होवोगे सानू लग चुक्या हल्का हल्का जुकाम ते जिदा तुसी मेरी वीडियो देखी है कल आया सीगा मेरे को ए वाला मास्क ते इहदे ते अज आपां करन जा रहे हां व्लॉग शूट ते साडा वीर आ रहा बदनाम राजा ते मेरी ज़्यादा निकलन डई है क्योंकि चाह तत्ती हुई है इस कारण ते फिर ते आपां जा रहे हां उधर अपना वीर कोल ते वीर ने भी अज कहिंदा चैनल मैं शुरू करना ते फस्ट वीडियो बनानी है इस तरह का कुछ उहदा भी हैगा ते मैं कहा चल मैं भी माउंट लिता सीगा इहदा स्कॉर्पियन ए वाला मतलब कि फ्रंट ते हैलमेट रहिंदा उत्ते बरना बज्जा रहिंदा नहीं ते ਉਹ ਹੈਲਮਟ ਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਲੇ ਪੀ ਰਹੇ ਚਾਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਰੀ ਗੇਟ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਕੋਲੇਜ ਵੁਮੈਨਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਆਪਣਾ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। So guys मैं इस वेले हैगा जी टी रोड के उपर जो काम सीगा वो मैं कर आया होया ते की होया कि उधर थोड़ा मतलब काफ़ी भीड़ भड़के वाला एरिया सीगा सो मैं अपना ये जो मास्क सीगा मैं नहीं सी अपना पाया क्योंकि उत्थे कंफर्टेबल नहीं सीगा मैं इसनू पा के हुण लाइक जी टी रोड से मैं आया होया ते एक वधिया फील आ रहा होया इहनू पाए दा ते बाकी हुण जा रहा मैं यूटी मार्केट की तरफ से बार बार थोड़ा जिहा मैनूं कैमरे चैक करना पैण डिया क्योंकि इहदा एक लॉक टुट चुकिया है ते जिहड़ा थले वाला हिस्सा है वह हो सकता है कि वह विचों निकल जाए गाइस हले तक तो बहुत वधिया एक्सपीरियंस है अपना तो बहुत मज़ा आ रहा है बाकी फुटेज देखो की कहती है किस तरह की आती है ये मैं पहुँच चुका यूटी मार्केट इतने हम देखते हैं भी बाई कि अपना हैगा बदनाम राजा तो इस तो बाद मैं थोड़ा जहा अपना ब्लॉग कराँगा कन्वर्ट इनटू हिंदी क्योंकि वो थोड़ी हिंदी बोलता है तो आप भी थोड़ी जी बाहर की पब्लिक गेन करनी है सो दैट्स वाई निकलते नहीं क्या नहीं निकलिया इतने हम देखते हैं कितने बढ़िया है ओ कहाँ पे छिपा हुआ है भाई सो नाउ आई एम
कन्वर्टिंग दिस इनटू जी हिंदी ब्लॉग। अभी तक अपने को नजर तो नहीं आया बंदा कहाँ पे है, तो अभी ढूंढना पड़ेगा भाई ये कहाँ पे छुपा हुआ है। देखो सामने से आ रहा है, इसको नहीं पता चल रहा भाई सामने बंदा खड़ा हुआ है। और भाई साहब क्या हाल चाल, जो तुम तो फुल राइडर बन के आ रहे हो हैं। और ओ भैंस की आँख, ये देखो भैया गौर से देखो, अच्छे रुको रुको ये देखो गौर से देखो इसको क्या सीन बना हुआ है ये। सही है, पूरी फुल टू फटाक चल रहा है इधर तो काम, भाई का लुक आपने देख लिया हुआ है। सो अभी आवाज़ आप लोगों ने सुन ली, बड़ा लवली वॉइस मैन। सो वेयर वी आर गोइंग, यस वी आर गोइंग टू रंजीत एवेन्यू मैन, तो लेट्स गो। जुल्फे कैसी लग रही है, एकदम सेक्सी लग रहा है कि नहीं लग रहा लौंडा? क्रॉस किया है तो अभी यहाँ पे कोई पुलिस पुलिस तो नहीं है भाई, इसका कार्ड हो जाए अभी यहीं पे। सो वी आर गोइंग स्ट्रेट टू वर्ड्स रंजीत एवेन्यू एंड व्हाट अ लवली वॉइस ऑफ भाई, कान फाड़ देती है भाई। देखो यार ये कुछ ज़्यादा तेज चलती है, कुछ पता नहीं है। सो हियर इट इज यामाहा, सो गाइस हम जा रहे हैं थोड़ा अंदर से कि पब्लिक रिएक्शन कैच करें ओवर द एग्जॉस्ट। तो अभी बाइक आगे आगे रहेगा तो मैं पीछे से रिएक्शन वगैरह रिकॉर्ड करूँगा। तो ये पहला रिएक्शन आपने कैच कर लिया है और देखते हैं, ये देखो सरदार जी ने पीछे मुड़ के देखा है कि बाइक कैसी है, क्या सीन है, और मैं इसके बीच में ठोकने वाला हूँ। ओह माय गॉश, नहीं जाएगा क्या? रानी का बाग so, यार मेरे को भी इसको देख के तलब लग पड़ती है कि हाँ भाई एग्जॉस्ट डाल ले, लेकिन क्या करें यार नाके से बचना ना मुश्किल हुआ पड़ा है। ओह सॉरी गाली गलौच नहीं अपने चैनल पे, उसको हम ट्यू कर देंगे। जा रहे हैं
टूवर्ड्स रानी का बाग, इधर पुतली करके बीच में से रिएक्शन कवर करने का था, लेकिन रास्ते में रोड का काम चल रहा था। तो कैसा लगा फ्लाई बाइक मैट सेक्शन में जरूर से बताना। अपनी बाइक तो अभी गूंगी हुई पड़ी है यार, इसका देखे साउंड इसको नेक्स्ट ईयर। मेरे को है कि वन ईयर में इसको विदाउट एक्सोस्ट चलाऊं, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है बाइक के साथ में एक्सोस्ट के साथ में क्या है ना, बाइक का प्रेशर बढ़ जाता है। तो अभी जो प्रेशर रहेगा वो इस एक्सोस्ट के मुताबिक से रहेगा, तो जब नेक्स्ट मतलब रहेगा तो उसका देखना पड़ेगा। सो हियर वी आर एट द रानी का बाग। क्या खिलाया है, इतना चीख रही है ये, इसको किरा खिला दिया, इतना चीख रही है। अच्छा अच्छा ये कारण है भाई, बोल रहा है प्रोटीन खिला दिया इसको रात से। सिनेमैटिक लेने के लिए, लेकिन इधर कुछ चल रहा है, पता नहीं कौन सा ब्लॉक है ये, रंजीत एवेन्यू का मे बी सी है मे बी डी है, अच्छे से डिफाइन नहीं है मेरे को भी कौन सा ब्लॉक है ये वाला। तो इधर कहीं फ्री स्पेस देख के थोड़ा बहुत सिनेमैटिक लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। सो गाइस हियर वी आर को एंजॉय करते हुए। तो बाकी क्या है कि ये सेटअप है हमारा आज का, तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और भाई चैनल शुरू करने वाला आज ही, मतलब चैनल तो इसने काफ़ी देर से बनाया, वीडियो आज बना के डालेगा, जो मैंने ब्लॉक किया हुआ है आधा पार्ट इसका देखने को मिलेगा इसके चैनल पे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा और आई बटन में भी मैं वीडियो को छोड़ दूंगा, तो जाके लाइक करने का है, सब्सक्राइब करने का है। और बाकी अभी इधर घूम रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, मौज ले रहे हैं, मौज उठा रहे हैं, मौज ले रहे हैं बस। तो क्या है लोग, मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। तो बस अभी इधर रंजीत एवेन्यू कौन सा ब्लॉक है, बी ब्लॉक, रंजीत एवेन्यू बी ब्लॉक में है। तो अभी आगे जाएंगे, इधर थोड़ा बाइक का सिनेमैटिक लेना है और बाइक की रील्स शूट करनी है आज। तो बाइक आप लोगों ने वैसे तो ब्लॉग में देख ही ली है कि बड़ी ज़बरदस्त है, आवाज़ भी काफ़ी लवली है, इसका स्वीट साउंड है। मतलब यार मैं अभी सोच रहा हूँ कब तक हमारी बाइक गूंगी रहेगी, उसको भी अभी करने का है, तो अभी देखते हैं आगे, फिर इसका सिनेमैटिक्स वगैरह लेते हैं तो उसको भी दिखाएंगे। और इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह रहेगा, जिन्होंने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेने का है, ठीक है ना। Thank you.
सब्जी मार्केट में भाई को भी छोड़ दिया है। ओके भाई फिर। ओके राज, मिलते हैं जल्दी। तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में जल्द से जल्द आपके सामने दोनों शामिल पेश होंगे आपके सामने। तो आगे मेरे को थोड़ा सा काम है, मैं जा रहा हूँ आगे, भाई को यूटी मार्केट में काम है, तो भाई यही रहेगा। तो फिर मैं आपको मिलता हूँ आगे। मॉम को लेने आए थे हम, हमने ले लिया, तो हम जा रहे हैं। सो गाइस, काम में सिर्फ इतना है कि मैं मॉम को लेने जाना सी, मॉम को लेके मैं घर आ गया। तो दैन उस बाद हूँ चाह दे नाल बूंदी इंजॉय हो रही है, तो रजाई च बड़े हुए हैं। सो मिलते रहेंगे इस तरह ब्लॉग्स में। तद तक सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल।